बैक टू माय यूट्यूब चैनल आ रहा है मारवाड़ जुगाड़। तो दोस्तों अभी सुबह के बजने वाले हैं 8 और अभी करते हैं एक व्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग की शुरुआत। ठीक तो चलिए व्लॉग में आगे दिखाते हैं। मैंने सुबह सुबह नाश्ता कर दिया है और अभी इन बकरियों को निकाल रहा हूँ सराने के लिए बाहर। और घास भी ये देख लीजिए हरी हरी कितनी अच्छी हो गई है। तो पहले इनके सराते हैं और बाद में पानी वानी पिला के 11-12 बजे वापस आएंगे। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ और क्या काम करते हैं। ये सभी बाहर निकलने का कर रही है इंतजार। अभी इनका खोलते हैं गेट, तो गेट खोलते ही ये भाग जाएगी बाहर। इसको मजबूत बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो ये छोटे वाले बच्चे वो बाहर निकल जाते हैं। आ जाओ सभी, निकलो बाहर। भेड़े हैं साल है नहीं, बेच दी, केवल और केवल बकरियां बकरियां हैं। बकरे जाली तोड़े, जाली जाली क्यों तोड़े, हट। ठीक तो चलिए व्लॉग में आगे दिखाते हैं आपको और क्या काम होता है। चलेंगे धोरे वाले खेत। तो दोस्तों दिन की बज गई अब 11 और इन बकरियों को चरा दिया है और पानी पिला दिया है। अब धीरे धीरे ले जा रहे हैं घर की ओर और ले जाके उस बाड़े में डाल देंगे, तो वहाँ भी घास है वो खाती रहेगी। और फिर दोपहर के बाद लगभग 3-3.5 बजे वापस निकलेंगे और वापस यहाँ ला के सराएंगे। और घर बाहर जाने के बाद में खाना खाएंगे और फिर आराम करेंगे। तो चलिए आप भी बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में आगे और क्या काम होता है। तो दोस्तों अभी शाम के बजने वाले 7 और सूर्यास्त होने ही वाला है। इधर देखिए वो सूरज बिल्कुल नीचे चला गया है, सूर्यास्त होने को है। और बकरियां को पूरा दिन चरा दिया, अभी आधा घंटा बाद 7:30 बजे लगभग लेको है इनको जाएंगे घर। वो रहा हमारा घर और वो बाड़ा, ये हमारा घर है। और ये बकरियों का बाड़ा, यहाँ पर लेकर जाएंगे, फिर इनको बांध देंगे। और मेरा तो डेली का रूटीन यही होता है, सुबह से शाम तक बस एक ही काम होता है, बकरियों को सराना, इनको पानी पिलाना और ला के बाड़े में डाल देना। अब लगभग 4 महीने तो यही रहेगा और इससे अलग कोई होगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अच्छी तरह से। अब बने रहना मेरे साथ और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। तो मिलेंगे कल फिर एक और न्यू व्लॉग में। आप सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शाम की भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक, मिलते हैं कल और एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।